जलगांव में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने धूल से भरे शहर में बांटे मास्क। जलगांव शहर में इन दिनों अमृत जल योजना के तहत केंद्र सरकार की स्कीम के तहत रास्ते खोदकर पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। बड़े पैमाने पर रास्ते टूटने से धूल का साम्राज्य सड़कों पर होने से लोगों को धूल की परेशानी बढ़ गई है। लोग अधिक प्रमाण पर बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए आज एनसीपी की ओर से जल्द सड़कों के निर्माण होने के लिए जलगांव महानगर निगम जो कि बीजेपी के पास है उन्हें जागरूक करने के लिए लोगों में मास्क बांट रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य की किसी को फिक्र नहीं है। दिया गया मास्क बांटे गए, क्या वजह थी मास्क बांटने की बोलिए। आज राष्ट्रवादी महानगर जिला अध्यक्ष अभिषेक भाऊ के नेतृत्व में जलगांव शहर के नागरिकों के लिए मास्क बांटे गए, क्योंकि जलगांव शहर में रस्तों के कामों की वजह से धूल से लोग इतने परेशान हैं, पूरे जलगांव आज धूल में तब्दील हो गया है और लोगों के आरोग्य के लिए इसी की तरह धूल के कारण एलर्जी की और सर्दी जुकाम के जो पेशेंट है वो लगभग दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं। जलगांव शहर में लोग बहुत ही परेशान हैं धूल से, साथ ही साथ कोरोना वायरस जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो हवा से फैल रही है, संसर्ग में आने से फैल रही है, उस लिए भी ये दोनों वजह से अभिषेक भाऊ ने ये फैसला लिया कि हम इसके लिए लोगों को मास्क बांटें।